इतिहास आखिर क्या है ये इतिहास? साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो इसका मतलब प्राचीन समय में घटी कोई घटना, जिसे हम प्राचीन ग्रंथों, किताबों, शिलालेखों या साहित्यकारों द्वारा मौखिक रूप से वर्णित की जाने वाली घटना को हम इतिहास कह सकते हैं। इस इतिहास के भी बहुत से पहलू हैं और इसे विभिन्न विभिन्न तरीके से भी प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो महाकाव्यों का इतिहास हो, लोक कथाएं हो, पूर्वजों की वीरता की वीर गाथा हो, या फिर प्राचीन से नवीन समय में आने वाली मानव जाति से संबंधित किसी घटना का वर्णन भी इतिहास कहलाता है। इतिहास का प्रयोग विशेष रूप से दो शब्दों में किया जाता है, इति और हास। इति का मतलब है विगत काल की घटना और हास का मतलब है इसके विषय में धारणा, या फिर कहे जो बीत चुका है या फिर जो निश्चित था। इतिहास को अभी हम हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है बुनना या फिर रचना करना। इससे यह अनुमान लगता है कि बीते किसी ज्ञात घटनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से बुनकर एक ऐसा चित्र प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है जिसका अर्थ सार्थक और सुसंबद्ध हो। इतिहास का नाम सुनते ही एक सवाल जहन में ये भी आता है कि आखिर इसकी शुरुआत किसने की थी। तो आपने हेरोडोटस का नाम सुना होगा, जिसे द फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, और उसे यह नाम सिसरो ने दिया था, जो एक राजनीतिक सिद्धांतकार थे। इतिहास के जनक हेरोडोटस के जीवनी में नजर डालें तो पता चलता है कि 494 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य में पैदा हुआ हेरोडोटस यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवक्ता था। इसका संस्कृत में नाम हरिदत्त था, जो वास्तव में एक मेड था। हेरोडोटस को प्रारंभ से ही साहित्य में बहुत रुचि थी, जिसके कारण उसने अपना पूरा समय काव्य और साहित्य के अध्ययन में दिया और अपने लेखन कार्य को निरंतरता के साथ बढ़ाते चले गए। उन्होंने मानव जाति पर भी अध्ययन किया और उसका भौगोलिक विवरण भी लिखा है। उन्होंने जिन क्षेत्रों की यात्रा की उसका ऐतिहासिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक और धार्मिक विवरण भी विस्तृत रूप से लिखा है। उन्होंने अपने पुस्तकों में नदियों, नहरों, पर्वतों, पठारों, प्रमुख बस्तियों में रहने वाले लोग और उनके क्रियाकलापों पर भी विस्तृत रूप से अपना पक्ष दिया है। उनकी पुस्तकों में एक तिहाई से भी अधिक भौगोलिक तथ्यों को भी सम्मिलित किया गया है। साथ में प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों का सुव्यवस्थित क्रम में सर्वप्रथम उल्लेख हेरोडोटस ने ही किया था। यही कारण है कि उसे इतिहास का जनक कहा जाता है। उन्होंने अपने इतिहास का विषय पेलोपोनेशियन युद्ध को बनाया था और वह पूर्व में ग्रीस और फारस के बीच हुई घटनाओं और युद्धों के दस्तावेज को अपनी एक शैली में निर्धारित कर हिस्ट्रिका जैसी महान पुस्तक की रचना की थी, जिसमें भारत और फारस के संबंधों के वर्णन से लेकर ग्रीस, मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृति का भी वर्णन है। हेरोडोटस के इतिहास को पश्चिमी साहित्य में इतिहास के संस्थापक कार्य भी माना जाता रहा है। हेरोडोटस का एक दावा यह भी है कि उसने प्राचीन दुनिया में बड़े पैमाने पर खोज किया, साक्षात्कार आयोजित किए और अपनी पुस्तक के लिए कहानियों का संग्रह किया, जिनमें से लगभग सभी में फारसी साम्राज्य के क्षेत्र शामिल है। उनकी किताबों को अध्ययन करने के बाद एक कहानी मिली, जिसमें लीडा के राजा कैंडोल्स ने अपने अंगरक्षक गेजेस को अपनी पत्नी का नग्न शरीर दिखलाया था। इस बारे में खोजबीन करने के बाद यह आदेश दिया गया कि वे या तो लीडा के राजा कैंडोल्स की हत्या कर दे या फिर खुद ही मौत का सामना कर ले। इसी तरह हेरोडोटस की पुस्तकों में और भी बहुत सी रोचक कहानियां और प्रेरक सीख भी देखने को मिलती है, जो पश्चिमी एशिया और मिस्र के अधिकांश समय के लिए जानकारी का एक प्रमुख स्रोत भी बना हुआ था। तो फिलहाल इस वाले वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोज के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।